नमस्कार, मैं अजय। और रियलिटी है, काम करते 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 आज 4 से 5 साल हो गए, खून में कोनी कि कहीं भी बिका हुआ काम करूं, किसी को मजबूर करूं या किसी का मजाक बनाऊं। हकीकत है, लेकिन लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। मेरे सीनियर भी, मेरे साथी पत्रकार भी, हकीकत में और रियलिटी में मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा कि किसी को कोई अड़चन हो। अड़चन ये बाकी कुछ नहीं कि बस कहीं ना कहीं शहर की कह लीजिए, लोगों के दिलों के अंदर बात कर लीजिए, तो एक जगह बना रहा और चर्चा में आ रहा, क्योंकि 30,000 सब्सक्राइबर अभी हमने एक दो दिन पहले ही पूरे किए। लेकिन कभी उस पे काम ना करो, कभी ये कर दिया, कभी इतना बड़ा वो कर दिया, बिना तथ्यों के काम कर दिया। मानता हूँ गलती कर सकता हूँ, इंसान हूँ, परिपूर्ण धरती पे मैं भी नहीं उतरा, इंसान का पुतला हूँ, गलती हो सकती है, क्या पता मेरी समझ में ना आया हो जो समाज मुझे समझाना चाहता। लेकिन अब एक काम सिस्टम, बजीना गांव गया, वहाँ पे एक नोज बनाई, भाई गांव की सर्वे। भिवानी के उपायुक्त महोदय ने बताया था या लेटर के लेटर निकाला, सोशल मीडिया COVID-19 के ऊपर काम नहीं करेगा, तो इसलिए हमने सोचा कि 4.5 साल सरपंचों के पूरे हो चुके, तो क्यों ना गांव-गांव का दौरा भी कर लिया जाए, गांव के अंदर भी पता चले कि कितने अच्छे अच्छे काम हुए। और रियलिटी में मैंने अच्छे अच्छे काम किए, मैंने अच्छे अच्छे काम भी दिखाए। रियलिटी में मैंने जो काम हुआ, वास्तविकता में मैंने वो ही दिखाया। लेकिन दुर्भाग्य ये, बजीना गांव का सरपंच महिला और उसके हस्बैंड राजेश एडवोकेट जी, तो आज एक मेरे खिलाफ श्रीमान उपायुक्त महोदय को अप्लीकेशन दे दी कि मैं कहीं ना कहीं बिका हुआ पत्रकार और किसी लालच के अंदर मैंने आके ये न्यूज़ बनाई और एक आदमी के कहने पर मैंने काम कर दिया। तो अब सुने जो वकील साहब ने क्या मेरे खिलाफ़ उपायुक्त महोदय को एक अप्लीकेशन दी। तो श्री सेवा में श्रीमान उपायुक्त महोदय भिवानी, विषय अजय कुमार पत्रकार व JNC न्यूज़ मालिक पर, गांव बजीना के सरपंच पर झूठा प्रचार व गांव के में भ्रम फैलाने पर कानूनी कार्रवाई करने के शिकायत पत्र हेतु। श्रीमान जी, हम ग्रामवासी बजीना आपसे प्रार्थना करते हैं कि उपरोक्त YouTube चैनल चलाने वाले अजय कुमार ने द्वारा पत्रकार मार्ग फैलाना, मैं आपको ये चिट्ठी भेज दूंगा, तो ये फ़ोन पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, क्या पता मेरी नज़र कमज़ोर होगी या फिर छोटे अक्षर हैं इसलिए मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सारा किसी प्रकार से चैनल चलाने पर पहले पात्र लगाई हुई है। लेकिन उपरोक्त यूट्यूब चैनल वाले अजय कुमार पत्रकार ने हमारे गांव बजीना में आकर सर्वे करके गांव की सरपंच पर गांव के जोड़ा छाप डॉक्टर से, एक मिनट साहब, डॉक्टर विजय पुत्र वीरपल व राजेंद्र पुत्र जगमाल के साथ झूठे आरोप लगाकर मेरे चैनल पर प्रसारण किया, जिसने गांव में अशांति का माहौल है तथा सरपंच मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अतः आपसे प्रार्थना है कि विषय संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई का कष्ट करें। तो अभी गांव के मौजूद आदमी भी हैं, अच्छी बात है, गांव का सरपंच है, मौजूद आदमी होने चाहिए। तो अब मैंने गलत काम किया तो किया कहाँ, भिवानी से दिनोद गए, दिनोद से देवसर गए, नहीं देवसर नहीं गए, फिर हम सीधा बजीना पहुँचे। तो रोड पर टनाटन मैंने वो चीज़ दिखाई, प्रशासन की बड़ाई की, सरकार की बड़ाई की, जो काम हुआ मैंने उसकी बड़ाई की, नंबर एक बात। जैसे ही गांव के अंदर हमने एंट्री की, बजीना गांव के अंदर खड्डे 2-2 फुट के, चाहे वो अवैध कब्जे कर रखे हों, चाहे वो किसी प्रकार से भी हो, लेकिन गाँव की शोभा को घटाने का काम कर रहे, दूसरा बात। तीसरी बात, अड्डे पे ही मैंने लोगों से राय ली, दुकानदार ने अच्छा बताया, मैंने अच्छा दिखाया, मैंने कोई इसमें काट छाट या किसी प्रकार की कुछ बातें ऐसी नहीं लिखी। लेकिन साथ में एक मकान था, जो मिस्त्री था उसने बताया कि नाले सफाई हुई नहीं, तो नाले सफाई थी भी नहीं, तो मैंने वही दिखाया। उसके बाद हम करीबन फिरनी पर गए, फिरनी के बाद मुझे करीबन 707 वाली गली के अंदर, जिसको डॉक्टर, जिसका नाम दिया हुआ डॉक्टर विजय,
डॉक्टर विजय का नाम मेरे साथ में जोड़ा गया, लेकिन हकीकत में रियलिटी में मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं कि मैं किसी सरपंच की बुराई दिखाऊं या मैं किसी सरपंच की नाकामी दिखाऊं, तो मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो हमने बाद में सरपंच साहब से बात की, उन्होंने भी हमारा स्वागत किया और हमारे अच्छे से सवालों के अच्छे अच्छे रूप में जवाब भी दिए। तो इसमें मैं गलत हूँ तो हूँ कहाँ पे, फिर ये प्रार्थना पत्र क्यों, फिर ये ज्ञापन क्यों लोगों के नाम का? तो गलत किया तो आपके लोगों ने बताया कि 5,000 रुपये का आरोप लगाया, उन्होंने लगाया, आपके मेंबर ने बताया कि सरपंच काम नहीं करता, मैंने तो नहीं कहा, वहाँ पर मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरा काम था प्लस का जो मैंने बिल्कुल अपनी ईमानदारी से किया। बात उठी पैसे मांग लिए, कोई एक बंदा साबित करे कि बजेला के अंदर हो या शहर के अंदर मैंने कोई न्यूज़ बनाई हो तो मैं पैसे मांग मांग कर काम करता हूँ। लेकिन एक लालचा लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करने पर इंसान की ज़िंदगी बीत जाती है। तो कृपया करके जो मेरे फॉलोवर हैं प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताएं, प्लीज़ विनती है उनसे हाथ जोड़कर कि मैं कितना गलत काम कर रहा, सच्चाई दिखाकर, या फिर आज मीडिया को ही वास्तव में आज कठपुतली की तरह काम करना पड़ेगा सिस्टम के आगे, या तो पैसे में बिक के काम करो, या फिर कठपुतली बन के काम करो, या फिर अधिकारियों के आगे, प्रशासनिक नेताओं के आगे नमस्ते करके काम करो। अब ये नमस्ते कठपुतली नहीं बना जाता, मुँह के अंदर से कहीं ना कहीं सच्चाई निकल जाती है, तो इसमें मेरा क्या दोष? क्योंकि संविधान में लिखा 19 आर्टिकल ए कि मुझे बोलने की आज़ादी परिपूर्ण रूप से मेरे संविधान ने दी हुई, तो मैं बोल सकता हूँ और अपनी बात रख सकता हूँ। और मैं जब मैं मीडिया से जुड़ा हूँ, मैं जननायक चेतना से चीफ एडिटर मैगजीन का मासिक पत्रिका का, दुर्भाग्य मेरा कि मैं सक्षम परिवार का नहीं, तो इसलिए मेरे को कोई जो मेरी मैगजीन के साथ में देने वाला लोग नहीं मिल रहे, मैं गरीब परिवार से, तो इसलिए मैं कमज़ोर, तो इसलिए मैं पत्रकार भी नहीं और मैं एडिटर भी नहीं। लेकिन सौभाग्य देश का, RNI का, जो भारत सरकार का, धन्यवाद उन संस्थाओं का जिन्होंने सही मान्यता में आज काम किया और मेरे जैसे गरीब को एक एडिटर बनाने का जुम्मा भी दिया, क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट पेश किए तो मैं एडिटर बना भी, ये जायज़ बात। तो नहीं तो मैं कि फर्जी पत्रकार हूँ, नहीं मैं किसी का लेने देने वाला पत्रकार हूँ, नहीं मैं किसी को बदनाम करने वाला पत्रकार हूँ, मैं काम वही करता हूँ जो स्पष्ट हो और जो सही हो। गांव की कहावत है, सर्वतली है तो काम तो और सुन लो कि आटे में तो नमक हमेशा कटाया, लेकिन मेरे शहर के वासी हैं, मेरे गांव के वासी हैं, मेरे सरपंच साहब हैं, मेरे जो आदरणीय हैं नेतागण हैं, चाहते हैं कि मैं नमक में आटा कटाऊं, ऐसा सब नहीं होता। मीडिया काम है सच बोलना, सत्य दिखाना, यही मैंने दिखाया। अगर मैंने कोई भी गलती की हो तो ये तो उपायिक मुद्दों आपने ज्ञापन दिया, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट तक मेरे ऊपर केस कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ तो सरपंच साहब, लेकिन गलत बात, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये रियलिटी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप बस सरपंच हैं और मैं एक पत्रकार हूँ, शहर से आया हूँ, तो 5 लोग आज आपका साथ दे देंगे, क्या पता सच कितना दिन टिक पाएगा और कितने दिन बाद जीत पाएगा, लेकिन ये रियलिटी है, जीतेगा तो सच जीतेगा, न कि झूठ कभी नहीं जीत सकता, इतिहास इस देश का रहा। विनती गाँव वजीना के वासियों से भी, अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ मेरा साथ दें, जो DC साहब को आज ज्ञापन सौंपा है सरपंच साहब ने, उसके विरुद्ध मेरे को मेरी सहायता करें, क्योंकि अब कार्रवाई भी होगी, ज्ञापन दिया है कोई, ये तो है नहीं कि कोई लव लेटर लिख कर किसी को पकड़ा दिया हो, DC साहब को ज्ञापन दिया है तो कार्रवाई होगी लाजमी। लो अगर मैं सही हूँ तो बजना गांव के वासियों से विनती हाथ जोड़कर कि अब मेरा साथ दे और सरपंच को बताएं कि कौन सही था कौन गलत था, अगर मैं गलत हूं तो पूरे गांव के मैं चौक के ऊपर जूत खाने को भी तैयार हूं, मुझे कोई इस चीज़ के एतराज़ नहीं होगा। गलत काम किया तो मुझे आप जो सजा होगी मैं वो भुगतने को तैयार हूं, अगर सही काम किया तो प्लीज़ आप सरपंच को समझाएं कि मैं सही हूं और उन्होंने कोई ना कोई गलती कर दी अपने 4.5 साल के कार्यकाल के अंदर। विनती सभी से कमेंट जरूर करियो कौन गलत है कौन सही है, और वह वीडियो जरूर देखियो कि गाँव के सरपंच पर 5,000 रुपये लेने के भी आरोप लगे, क्योंकि मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ही, बताना प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के विनती कि मैं कितना गलत काम कर रहा समाज के लिए, उस व्यक्तित्व के लिए कि आज मुझे कहीं ना कहीं गरिमा से गिराया जा रहा, मेरे काम को भी और मेरे को भी। तो कमेंट द्वारा प्लीज़ बताएं जरूर कि मैं सही हूं या गलत हूं। जैन से अजनय की ये खास रिपोर्ट।